हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल सक्सेस कोचिंग सेंटर। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी से और सबसे पहले मिल जाएगी। कल हमने बात की थी इंटरपोलेशन के बारे में कि इंटरपोलेशन क्या है, ठीक है, और उसमें जो हमारा इक्वल इंटरवल है उसका कॉन्सेप्ट क्या है, उसमें हम किन किन फॉर्मूले का यूज़ करते हैं। तो उसके लिए सबसे हमारा फर्स्ट फॉर्मूला था न्यूटन जॉर्जे फॉर्मूला फॉर फॉरवर्ड इंटरपोलेशन, ठीक है, न्यूटन फॉरवर्ड का फॉर्मूला। तो सबसे पहले मैं आपको इसका फॉर्मूला लिखवा देती हूँ, फिर इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन कराऊंगी, ठीक है। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट फॉर्मूला लिखते हैं। इसमें हमारा फॉर्मूला है ए एफ ब्रैकेट में ए प्लस एच यू इक्वल्स टू होता है एफ ए, ठीक है, एफ के साथ एक बार ए प्लस यू अपॉन वन फैक्टोरियल, ठीक है। जब मैं आपको इस बेस्ड पर क्वेश्चन कराऊंगी तो आपको ये ईजिली समझ में आ जाएगा और आपको याद भी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमें कुछ नहीं करना, यू आगे यू के टर्म को यू यू माइनस वन अपॉन टू फैक्टोरियल एंड यहाँ पर टेल एफ ए है तो यहाँ पर जाएगा टेल स्क्वायर एफ ए प्लस यू यू माइनस वन यू माइनस थ्री। जितने भी टर्म तक आपको निकालना हो आप उतने टर्म तक इसे लिख लीजिए, ठीक है, एंड यहाँ पर डॉट 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 करके प्लस यू की पावर एन अपॉन एन फैक्टोरियल डेल एन एफ ए। चलिए इस पर बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। फ्रेंड्स, ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। इसमें दिया हुआ है फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल ऑफ द ईयरली प्रीमियम फॉर पॉलिसी, ठीक है। इसमें हमें प्रीमियम दिया हुआ है, ठीक है, ईयर के अकॉर्डिंग एट क्वानल एजेस एस्टिमेट द प्रीमियम फॉर पॉलिसी मैच्योरिंग एट द एज ऑफ 46 ईयर्स, ठीक है। मतलब कि इसमें 46 ईयर की प्रीमियम पूछा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर 45 का दिया है, 50 का, 55, 60 एंड 65। इसमें हमसे पूछा 46 ईयर का, तो 46 कहाँ आती है इन दोनों के बीच में, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था जब कभी भी स्टार्टिंग में हमसे पूछे तो हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है, न्यूटन फॉरवर्ड का, ठीक है। चलिए इसका आंसर हम इस तरीके से करेंगे। सबसे पहले हमें इसकी डिफरेंस टेबल बनानी होगी, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे द डिफरेंस टेबल, डिफरेंस टेबल ऑफ द गिवन डाटा, जो डाटा हमें दिया हुआ है, ठीक है, इज एज फॉलो। अब मैं आपको बताती हूँ कि हम डिफरेंस टेबल कैसे बनाते हैं। ओके, डिफरेंस टेबल बनाने के लिए सबसे पहले हम अपनी एज लिख लेंगे जो हमें क्वेश्चन में दी हुई है, ठीक है, एज एक्स, और प्रीमियम लिख लेंगे, ठीक है, प्रीमियम एफ एक्स। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमें एज दी हुई है 45, 50, 55, 60 एंड 65, ये हम यहाँ पर लिख लेंगे। यहाँ पर लिखिए 45, 50, 55, 60 एंड 65, ठीक है। सेम हमें प्रीमियम लिख लेना है, 45 का क्या दिया है 2.871, सेम इसी तरीके से हम सबके प्रीमियम यहाँ पर लिख लेंगे 2.871, 2.404, 2.083, 1.862, 1.712। अब आपको आप एक्स और एफ एक्स की वैल्यू निकालने के बाद आपको निकालनी होती है डेल एफ एक्स की वैल्यू, ठीक है। तो डेल एफ एक्स की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, ये जो हमारी एफ एक्स की वैल्यू दी हुई है यहाँ पर आपको इस वैल्यू में से इसे क्या करना है, माइनस, मतलब 2.404 माइनस 2.871, तो हमारी जो वैल्यू बचेगी वो बचेगी 0.467, ठीक है। सेम 2.083 माइनस 2.404, ये वैल्यू आपको यहाँ पर लिखनी है 0.321, ठीक है। ऐसे आप इसे माइनस कीजिए तो यहाँ पर हमारी वैल्यू आ जाएगी 0.221। सेम 1.712 माइनस 1.862, इसमें से आपको इसे माइनस करना है, ठीक है, और ये वैल्यू आपको यहाँ पर लिख देनी है। इस तरीके से आपकी डेल एफ एक्स की ऑल वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब आपको निकालनी है डेल स्क्वायर एफ एक्स, ठीक है। डेल स्क्वायर एफ एक्स निकालने के लिए आप डेल एफ एक्स की वैल्यू में से, ओके, डेल स्क्वायर एफ एक्स की वैल्यू निकालने के लिए आप डेल एफ एक्स की वैल्यू को माइनस करेंगे, माइनस 0.321। इसे हम माइनस करेंगे तो यहाँ पर ऑलरेडी माइनस से प्लस हो जाएगा 0.467, ठीक है, मतलब माइनस 0.321 प्लस 0.467 क्या आ जाएगा हमारा 0.146। सेम आपको इसमें से इसे माइनस करना है, ठीक है, तो हमारी वैल्यू आएगी 0.100 एंड 0.150 में से आप माइनस कीजिए, माइनस कर 0.221,
यहाँ पर हमारी वैल्यू आ जाएगी 0.071। ये वैल्यू हम तब तक निकालते हैं जब तक हमारी जो लास्ट की वैल्यू है वो एक वन नहीं आ जाती, मतलब एक स्टेप पे नहीं आ जाती। तो अब हम निकालेंगे डेल क्यूब एफ एक्स। डेल क्यूब एफ एक्स के लिए आपको डेल स्क्वायर एफ एक्स वैल्यू को यूज़ करना है, और आपको इसमें से क्या करना है, -0.100 -0.146। तो क्या बचता है, बस माइनस का 0.046। ठीक है, सेम 0.071 -0.100, यहाँ पर हमारा बचेगा 0.029। अब हमें यहाँ पर, क्योंकि हमें सिंगल टर्म में वैल्यू लानी है, ठीक है, तो हम आगे तक करते जाएंगे, चाहे डेल एफ एक्स डेल फाइव पहुँच जाए, सिक्स जितने भी जाए, आपको सोल्व करना है, कैलकुलेशन करते रहना है। तो यहाँ पर आप इसमें से इसे माइनस कीजिए, हमारा बचेगा 0.017। इस तरीके से आपको डिफरेंस टेबल बनानी है। आई होप आपको डिफरेंस टेबल बनानी आ गई होगी। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप इसे बॉक्स में बना लीजिए। मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए डायरेक्टली लिख दिया, ठीक है, आप इसे अच्छे से बॉक्स में बनाइए क्लीन करके। ठीक है, अब हम वी शैल फाइंड, ठीक है, मतलब हमें क्या फाइंड करना है। यहाँ पर हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है एज ऑफ 46 ईयर, हमें 46 ईयर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे F46 जो कि इक्वल्स टू होगा FA+HUK, ठीक है, A+HUK। अब हम यहाँ पर लिख देंगे वैल्यू वेयर, ए की वैल्यू जो होगी वो हमारी डिफरेंस टेबल में जो फर्स्ट वैल्यू होती है वो हमारी ए की वैल्यू होगी। तो ये हो जाएगी ए की वैल्यू 45 एंड एच की वैल्यू होगी हमारी इनके बीच का डिफरेंस। तो इनके बीच कितना डिफरेंस है, 5 का। तो एच की वैल्यू हमारी कितनी हो गई, 5। यहाँ से एफ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, A+HU इज इक्वल टू आ जाएगा 46, ए की वैल्यू आप रख दीजिए 45 प्लस एच की वैल्यू 5U इक्वल्स टू 46। इसे कैलकुलेट कीजिए, 45 इधर प्लस में उधर जाके माइनस में, माइनस का 45, ठीक है, एंड 5 इधर इसके साथ इनटू में उधर जाके डिवाइड में, तो 46 माइनस 45 1/5 एंड से आप डिवाइड कर दीजिए 0.2। नाउ आपको न्यूटन फॉर्मूले का यूज़ करना है, ठीक। अब आपको यहाँ पर लिखना है बाय यूजिंग न्यूटन्स फॉरवर्ड फॉर्मूला, ठीक है, फॉर इंटरपोलेशन। यहाँ पर आपको न्यूटन का फॉर्मूला लिख देना है FA+HU। मैं दोबारा से लिख रही हूँ ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए, ठीक है, FA+U/1 यू की वैल्यू फाइंड आउट करना मैंने आपको बता दिया, ठीक है, यू की वैल्यू कैसे निकालते हैं। नेक्स्ट U-1/2 डेल स्क्वायर FA+U U-1 U-2, जितने स्टेप तक आपने अपनी टर्म निकाली है उतने स्टेप तक आपसे लिखते जाइए, डेल क्यूब FA+U U-1 U-2 U-3/4 डेल 4FA+, ठीक है, बस यहीं पर छोड़ दीजिए क्योंकि हमने 4 तक निकाली है ना। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर वैल्यू पुट अप करनी है, मतलब वैल्यू रखनी है। तो FA+HU हमारी वैल्यू होती है, जो वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है किसकी, FA+HU हमारे क्या है, 46, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए A+HU की वैल्यू हमारी क्या थी, 46, U की वैल्यू है हमारी 0.2, ओके, एंड हमें यहाँ पर फॉर्मूले में दिया हुआ है FA, ठीक है, FA की वैल्यू हमारी FX इक्वल होती है, ठीक है, या फिर आप मान लीजिए कि FX को हम FA बोलते हैं, तो FA की वैल्यू हमारी हो जाएगी 2.871। एक बात का हमेशा ध्यान रखना है, जो हम न्यूटन फॉरवर्ड फॉर्मूले में जो वैल्यू पुट अप करते हैं वो इस तरीके से करते हैं, मतलब पहले रखेंगे, फिर ये एंड लास्ट ये, ठीक है, इस सीरीज में चलती है हमेशा, ओनली ये वैल्यू हमें फॉर्मूले में पुट अप करनी है, ठीक है। तो FA की वैल्यू हमारी क्या होगी, 2.871। तो आप यहाँ पर फॉर्मूले में लिख दीजिए FA की वैल्यू 2.871 प्लस U की वैल्यू हमने अभी निकाली है, ये 0.2 0.2 अपॉन 1 फैक्टोरियल
मल्टीप्लाई डेल एफ ए, ये देखिए डेल एफ ए हमारी क्या है माइनस की 0.467, आप यहाँ पर लिख दीजिए माइनस की 0.467, ठीक है। प्लस नेक्स्ट में यू, यू माइनस वन अपॉन टू फैक्टोरियल, यू की वैल्यू हमारी क्या थी 0.2, ठीक है 0.2 माइनस वन अपॉन टू फैक्टोरियल मल्टीप्लाई डेल स्क्वायर एफ ए, ठीक है डेल स्क्वायर एफ ए की वैल्यू हमारी ये रही डेल एफ एक्स वैल्यू 0.146, यहाँ पर लिख दीजिए 0.146 प्लस 0.2 माइनस वन 0.2 माइनस टू डिवाइडेड बाई थ्री फैक्टोरियल मल्टीप्लाई डेल क्यूब एफ ए, ये रही डेल क्यूब एफ ए की माइनस 0.046, तो आप यहाँ पर लिख दीजिए मल्टीप्लाई में 0.046 माइनस की वैल्यू, ठीक है। प्लस लास्ट कुछ हमारी यू, यू माइनस वन यू माइनस टू यू माइनस थ्री अपॉन फोर फैक्टोरियल, तो यहाँ पर आप यू की वैल्यू रख दीजिए 0.2 माइनस वन 0.2 माइनस टू एंड 0.2 माइनस थ्री डिवाइडेड बाय फोर फैक्टोरियल मल्टीप्लाई डेल फोर एफ ए, एंड डेल फोर एफ ए की वैल्यू हमारी क्या है 0.017, यहाँ पर मल्टीप्लाई हम कर देंगे 0.017 से। ओके यहाँ पर आपको वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो इसे तो वैसे कैसे लिख देंगे 2.871 प्लस, इसे कैलकुलेट करने पर इसके इसमें मल्टीप्लाई करने पर हमारी वैल्यू आएगी माइनस की 0.0934, ठीक है। सेम इसे सोल्व करने पर आएगी पूरे पर, ये मैंने कैलकुलेटर से सोल्व कर लिया है, ठीक है। आप सोल्व करके देख लेना आपकी वैल्यू भी ही आएगी। ओके एंड लास्ट है इसे सोल्व करने पर हमारी वैल्यू आएगी माइनस की 0.0005712, ठीक है। इसे आप सिंप्लीफाई कर दीजिए तो हमारा आंसर आ जाएगा 2.763, ठीक है। ये हमारा अप्रोक्स में आंसर आ गया। अब ये जो हमारा आंसर है इसे चेक करने का तरीका ये है, देखिए देखिए आप क्वेश्चन में देखिए हमें 45 की वैल्यू जो थी वो 2.8 समथिंग थी, ठीक है, एंड 50 की थी 2.4 समथिंग, मतलब जो हमारी वैल्यू थी क्या हो रही है डिक्रीज हो रही है। ओके तो हमारी जिसके बीच में आ रहा 45 से नेक्स्ट स्टेप है 46, तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो इन दोनों के समथिंग आएगी, मतलब इनके पास में आएगी। तो आप यहाँ पर अपनी वैल्यू चेक कीजिए 2.7, यहाँ पर क्या है 45 की वैल्यू 2.8, 46 की वैल्यू 2.7, 50 की 2.4, तो वैल्यू क्या हो रही है डिक्रीज हो रही है, तो हमारी वैल्यू एकदम करेक्ट। आप से यहाँ पर भी चेक कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये हमारा न्यूटन फॉरवर्ड पर बेस्ड एक और क्वेश्चन है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़्यादातर क्वेश्चन में आता है, ठीक है, पेपर में आता है 100%। देखिए फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल एस्टिमेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु ऑब्टेन मार्क्स बिटवीन 40 एंड 45, मतलब कि इसमें हमें 40 एंड 45 के बीच में जो स्टूडेंट मार्क्स ऑब्टेन किए हैं वो बताने हैं। हमें 30 से 40 के बीच में दिए हुए हैं 31, ठीक है, 40 से 50 के बीच में 42, ठीक है, मार्क्स 50 से 60 के बीच में 51 स्टूडेंट की, 60 70 35 एंड 70 to 80 31, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें सेम डिफरेंस टेबल बनानी है, तो लिखिए द डिफरेंस टेबल ऑफ द गिवन डाटा इज एज फॉलो। इसकी जो डिफरेंस टेबल बनेगी उसके मैं आपको डायरेक्ट बता दें आप कैसे बनानी है। देखिए सबसे पहले हम एक्स की वैल्यू, हम एक्स मान लेते हैं इसे मार्क्स को, नंबर ऑफ स्टूडेंट मान लेते हैं हम एफ एक्स, ठीक है। अब देखिए जो आप एक्स की वैल्यू लिखेंगे वो आप फर्स्ट स्टेप को छोड़ के 40 से लिखिए, सिंगल सिंगल में 40, ठीक है, इसके बाद 50, नेक्स्ट 60, 70 एंड 80। अब यहाँ पर जो आप एफ एक्स की वैल्यू लिखोगे वो आपको इस तरीके से लिखनी है, 30 से 40 के बीच में कितनी दी हुई है 31, तो इसे आप डायरेक्ट लिख दीजिए 31, ठीक है। अब यहाँ पर आपको 40 से 50 का मतलब होता है कि 50 वाली तो है ही है, 40 से 50 की है, बट इसमें 40 की भी क्या होगी ऐड हो जाएगी, मतलब कि आप इन दोनों को ऐड करके लिखोगे यहाँ पर 2+1 3 और 4 3 7, मतलब 73, ठीक है।
सेम नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, 73 में प्लस कर देनी है 50 से 60 के बीच की वैल्यू 51, तो 73 प्लस 51 हमारा आ जाएगा 124। ठीक है, सेम 70 वाली भी आपको ऐसे लिखनी है 124 में, मतलब अब तक हम जितनी ऐड करते जा रहे हैं उसमें हम आगे की वैल्यू को ऐड करके लिखते जाएंगे, 124 प्लस 35 159, एंड लास्ट 159 प्लस 31 190। ठीक है, ये सबसे मतलब बेस्ट चीज़ समझने के लिए, अगर आपने इसे समझ लिया तो आपका क्वेश्चन करेक्ट हो जाएगा। इसके डिफरेंस टेबल में बच्चे ज़्यादातर ये मिस्टेक करते हैं कि वो नॉर्मली टेबल की तरह बना देते हैं, बट इसमें टेबल ऐसे नहीं बनती, इस तरीके से बनती है, तो आप टेबल इसी तरीके से बनाएं। अब आपको नेक्स्ट स्टेप हमारा वही है, डेल एफ एक्स वैल्यू निकालनी, तो 73 माइनस 31 42, 124 माइनस 73 51, 159 माइनस 124 35, एंड 190 माइनस 159 31। ठीक है, नेक्स्ट में आपको डेल स्क्वायर एफ एक्स, ठीक है, 51 माइनस 42 9, 35 माइनस 51 माइनस का 16, 31 माइनस का 35 माइनस का 4। नेक्स्ट डेल क्यूब एफ एक्स, माइनस का 16 और माइनस का 9, तो क्या हो जाएगा, माइनस का 25 ऐड हो जाएगा, माइनस का 4 और माइनस और फिर माइनस का 16, तो ये क्या हो जाएगा हमारा प्लस का 12। नेक्स्ट स्टेप में डेल फोर एफ एक्स, 12 माइनस 25, ये ऑलरेडी माइनस का है तो ऐड हो जाएगा, हो जाएगा 37। ठीक है, डिफरेंस टेबल हमारी बन गई, अब हम आगे सॉल्व करेंगे। अब हम यहाँ पर लिखेंगे वी वॉन्ट, मतलब जो हमें फाइंड आउट करना है, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 40 एंड 45, मतलब 40 से 45 के बीच में हमें बताने हैं मार्क्स, तो उसके लिए आप देखिए 40 के हमने अभी निकाल रखे 31। ठीक है, तो हम अगर हम 45 के फाइंड आउट कर लें तो हम क्या करेंगे, 40 में से माइनस कर देंगे, 40 माइनस कर देंगे 45 की वैल्यू, तो हमारे इनके बीच का वो आ जाएगा नंबर ऑफ स्टूडेंट की वैल्यू। ठीक है, तो हमें यहाँ पर फाइंड आउट करनी है एफ 45, जो कि बराबर होगी एफ ए प्लस एच यू के। ठीक है, यहाँ पर भी आपको सेम ए और एच की वैल्यू लिखनी है, ये देखिए ए की वैल्यू क्या है हमारी, एक्स की फर्स्ट वैल्यू, मतलब 40, जिसमें बेस मान कर चल रहे हैं 40, एंड एच की वैल्यू इनके बीच में कितने कितने का डिफरेंस है 10 का, तो एच की वैल्यू हमारी होगी 10। इस वैल्यू को यहाँ पर रख दीजिए, ए प्लस एच यू इज इक्वल टू 45। ठीक है, एच यू इज इक्वल टू 45 माइनस 40, एंड यू इक्वल्स टू 5 अपॉन 10, 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 वन ज़ा 5, 5 टू ज़ा 10 इक्वल्स टू 0.5। ठीक है, यहाँ से हमने अपनी यू की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। ठीक है, अब हमें न्यूटन फॉर्मूले का यूज़ करना है, तो आप यहाँ पर लिख दीजिए बाय यूजिंग न्यूटन फॉरवर्ड फॉर्मूला। ठीक है, यहाँ पर आपको फॉर्मूला मैं फिर से लिख देती हूँ, जिससे आपको फॉर्मूला अच्छे से लर्न हो जाए। एफ ए प्लस एच यू इक्वल्स टू होता है हमारा एफ ए प्लस यू अपॉन वन फैक्टोरियल डेल एफ ए प्लस यू, यू माइनस वन अपॉन टू फैक्टोरियल डेल स्क्वायर एफ ए, कुछ नए जो हमारे डेल एफ ए इसके स्क्वायर क्यूब बढ़ती जाएंगे और जो यू है ये हमारा फैक्टर में टूटता चला जाएगा। ठीक है, प्लस डेल क्यूब सॉरी यू यू माइनस वन यू माइनस टू अपॉन थ्री फैक्टोरियल डेल क्यूब एफ ए प्लस डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अब इसमें आपको वैल्यू पुट अप करनी है, एफ ए प्लस एच यू, ए प्लस एच यू की वैल्यू हमारी क्या 45, तो ये हमारा हो जाएगा एफ 45। ठीक है, एफ ए की वैल्यू हमारी टेबल में देखिए, एफ ए की वैल्यू हमारी क्या है 31। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा न्यूटन फॉरवर्ड में हम वैल्यू को ऐसे रखते हैं। ठीक है, 31 42 फिर 9 फिर मतलब हमारी इस तरीके से वैल्यू रखी जाती है, तो हमारी वैल्यू होगी 31। ओके, प्लस यू की वैल्यू 0.5 हमने अभी निकाली है, इंटू डेल एफ ए, डेल एफ ए हमारा 42, डेल एफ ए 42, तो यहाँ पर हमारा डेल एफ ए की वैल्यू आ जाएगी 42 प्लस यू की वैल्यू हमारी 0.5
जो माइनस वन मतलब 0.5 माइनस वन डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल। डेल स्क्वायर एफ की वैल्यू आएगी हमारी 9, ठीक है। देखिए डेल स्क्वायर एफ एक्स 9 तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा हमारा 9 सेम 0.5 माइनस वन 0.5 माइनस टू डिवाइडेड में 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई में डेल क्यूब एफ ए। डेल क्यूब एफ ए की वैल्यू हमारी माइनस की 25, ठीक है। डेल क्यूब एफ ए की वैल्यू माइनस की 25, ये देखिए माइनस का 25 प्लस लास्ट हमारा 0.5 माइनस वन 0.5 माइनस टू एंड 0.5 माइनस थ्री डिवाइडेड में 4 फैक्टोरियल, ठीक है। मल्टीप्लाई डेल 4 एफ ए की वैल्यू क्या हमारी 37, तो मल्टीप्लाई में लिख देंगे हम 37, ठीक है। अब हम इसे कैलकुलेट करेंगे, हमारी वैल्यू आएगी 31 प्लस यही माइनस के 1.125 माइनस 1.5625 माइनस 1.4453, ठीक है। एंड इसे सोल्व करने पर हमारी वैल्यू आएगी 47.868, ठीक है। ये हमारी वैल्यू कैसे सिंप्लीफाई कर दे, ठीक है, सिंप्लीफिकेशन। तो यहाँ पर हमने एफ 45 की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे हैंस द नंबर ऑफ स्टूडेंट, ठीक है, विद मार्क्स लेस दैन 45 इज 47.868, ठीक है। बट द नंबर ऑफ स्टूडेंट विद मार्क्स लेस दैन 40, वो हमने क्या किया था, हमने वो डिफरेंस टेबल बनाई थी, हमने उसे फाइंड आउट कर ली थी। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट विद मार्क्स लेस दैन 40 इक्वल्स टू कितने हैं 31। अब हमें क्या करना है, हमें स्टूडेंट गेटिंग मार्क्स बिटवीन 40 एंड 45, ठीक है, निकालना है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, हम यहाँ पर अपने जरूर लिखेंगे हैंस दी रिक्वायर्ड नंबर ऑफ स्टूडेंट गेटिंग मार्क्स बिटवीन 40 एंड 45 इज, यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना, जो हमारे नंबर ऑफ स्टूडेंट 40 एंड 31, ठीक है, माइनस कर देना है 45 से। इस वैल्यू कितनी की थी 47.868, तो हम इसे 48 मान सकते हैं अप्रोक्स में, ठीक है। तो इसे हम सोल्व कर लेंगे, हमारे आंसर आ जाएगा 70, ठीक है। तो द नंबर ऑफ स्टूडेंट गेटिंग मार्क्स बिटवीन 40 एंड 45 इज 70, दिस इज आंसर। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आपको क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछें, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।